हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम यूजफुल टिप्स। आज हम इमली की चटनी बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम इमली, हाफ टेबल स्पून हींग, हाफ टेबल स्पून जीरा, 4 टेबल स्पून सौंफ, 100 ग्राम गुड़, शुगर, 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट फॉर अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड रेड चिली। बनाने के लिए आपको इमली ले लेनी है और अब हम इसे एक पैन में रख के बॉईल कर लेते हैं। मैं इसमें इमली डाल देती हूँ और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी और इसे बॉईल कर लूँगी। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया हुआ है। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे जिससे इसके जो बीज हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। पानी डालते समय आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो इमली है ये अच्छे से पानी में डूब जाए। ये मैंने इसमें चटनी इमली में पानी डाल दिया है। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। इमली की चटनी के अलावा मैंने पुदीने की चटनी पर भी एक वीडियो बनाई हुई है जो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। ये मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। जो पुदीने की चटनी के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है उसे आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें जाके आप उसे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी जो ये पानी है वो थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया है। ये देखिए हमारी जो इमली है वो बॉईल होने लग गई है। अब हम इसे थोड़ा सा बॉईल और होने देंगे जिससे जो इसमें गुठलियाँ हैं वो आसानी से निकल जाए। ये हमने इमली को बॉईल कर लिया हुआ है। अब हम इसे चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ जो इमली के बीज हैं वो चलाते चलाते अपने आप निकलने लग जा रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जो कुछ बीज हैं ये चलाते चलाते ही अपने आप निकलने लग गए हैं। ये देखिए कुछ बीज ये अपने आप निकलने लग गए। इसी तरह से हम इसे थोड़ी देर चला करके पकाएंगे। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ जिससे जो इसमें इमली में गांठें जो बनी हुई होंगी वो खुल जाएंगी और इसके बीज निकालने में आसानी होगी। कुछ इस तरीके से मैं इसकी चलाते हुए इसकी गांठें खोल लूंगी। ये देखिए जहां जहां पर गांठें हैं वहां पर मैं इसे चलाते हुए इसकी गांठें खोल ले रही हूं। अब हम इमली को बंद करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं जिससे हम इसके बीज आसानी से निकाल पाएंगे। की चटनी गैस से निकाल ली है। अब मैं इसे थाली में पलट लूंगी जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाए। ये देखिए अब मैं इसे थाली में पलट लेती हूँ जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी। और आप पलटते समय देख सकते हैं कि कुछ गुठलियाँ जो हैं वो अपने आप ही निकल गई हैं। ये मैं इसे अच्छे से फैला लेती हूँ जिससे ये बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी और गुठलियाँ इसकी आराम से निकल जाएंगी। अब हमारी इमली जो है ठंडी हो गई है। हम हाथ से कुछ इस तरीके से इसके बीज निकाल लेते हैं। जो हम बीज निकालते हैं इसे साइड रखते रहते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से इसके बीज निकल जा रहे हैं। थोड़ा सा ही अगर आप हाथ से मसल लेते हैं तो आसानी से इसके बीज अपने आप निकल जा रहे हैं। ये देखिए कुछ बीज तो ऐसे हैं जो अपने आप ही निकले हुए हैं जिसको आपको मसलने की भी ज़रूरत नहीं है और कुछ बीज आपके हाथ से ही हल्का सा मसलने से ही निकल जा रहे हैं। अगर आपको इमली के बीज जल्दी से निकालने हैं तो आप कुछ इस तरह से इसको मैश कर लीजिए। इससे सारे बीज एक साथ ही जल्दी से निकल जाएंगे बहुत आराम से निकल जाएंगे। जब आप इस तरह से हाथ से मैश करके निकालेंगे तो इमली के बीज के साथ साथ कुछ रेशे भी अपने आप ही निकल जाएंगे। आप उन सबको एक दूसरे बर्तन में रख लीजिए। फिर आप इसमें ऐसा कीजिए कि एक थोड़ा तेज गर्म सा पानी डाल दीजिए जिसमें आपने बीज और रेसे रखे हैं। इस बर्तन में थोड़ा तेज गर्म पानी डाल लीजिएगा।
आप ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें आपने बीज रखे हैं इसमें आप एक कटोरी पानी डाल के इसे बॉईल कर लें। इससे आपके इमली का जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, आप इमली को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। देखिए इसमें मैंने गुठली और रेशे रखे थे, इसमें मैं एक कटोरा पानी डाल दे रही हूँ और अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ, फिर मैं इसे बॉईल कर लूँगी। हाँ, जो पानी आप यूज़ करें इसमें डालें वो गर्म पानी हो। ये जो मैंने इमली के रेशे और बीज अलग करे थे वो मैंने पानी डाल के बॉईल कर लिए, अब हम इसे छान लेंगे जिससे इसमें से रेशे और बीज जो है वो निकल जाए। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास इमली का पेस्ट है इसे छान लेंगे। ये अच्छे से इसमें छान लेंगे जिससे अच्छे से इसमें जो बीज होंगे वो निकल जाएंगे और जो रेशे हैं वो भी निकल जाएंगे। ये हमने इमली छान दी है, अब हम इसमें बीज वाला भी डाल देते हैं। ये बीज भी अच्छे से छन जाएंगे। ये मैंने इमली निकाल करके अलग कर दी है। अब आपको एक पैन में थोड़ा तेल गरम करना है। ये हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें आधा स्पून हींग डालेंगे। हमारी हींग जो है वो थोड़ा गरम होने लगी है, अब हम इसमें आधा स्पून जीरा डाल देंगे। जैसे जीरा चटकने लग जाए हम इसमें जो इमली का जो हमारा पेस्ट है वो डालेंगे। ये मैंने सारा इमली का पेस्ट इसमें डाल दिया है। जो हमने इमली डाली हुई है इसमें हम बड़ी चम्मच से 4 टेबलस्पून सौंफ डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें सौंफ की जगह सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। सौंफ से इसकी अच्छी सी खुशबू आती है और उसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा सा हो जाता है। ये मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। ये मैंने हल्का सा पीस करके गुड़ का थोड़ा सा वो कर रखा है, थोड़ा सा इसे बारीक सा कर रखा है। अब मैं इसमें गुड़ डालती हूँ। जितनी आप क्वांटिटी लें इमली की उसका आधा गुड़ होना चाहिए, तभी आपका जो इसका फ्लेवर है और जो इसका टेक्सचर है और उसका जो कलर है वो अच्छा सा आ जाएगा। इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है, अब मैं इसमें 1 स्पून काला नमक डाल दूँगी। काला नमक के बाद आपको जो कॉमन सॉल्ट है वो भी डालना है, वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो आप इसमें जो लाल मिर्च है वो थोड़ा कम डाल दीजिए। जो मैंने डाली है इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाली है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये देखिए आपको चीनी और गुड़ दोनों ही डालना है जिससे जो ये चटनी है इसका जो टेस्ट होगा ये बिल्कुल मार्केट की तरह हो जाएगा। मैंने इसमें चीनी डाल दिया, मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये सब डाल के आप इसे पका लीजिए। 3 से 4 मिनट पकने के बाद हमारी जो चटनी है ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी।